और फिर वादिराज महाराज कह रहे हैं कि पश्यंतम तद वचन व्रतम भक्ति पात्रा पिबंतम कर्मारण्यात पुरुष मश्मानंद धाम प्रविष्टम त्वाम दुर्वार स्मद मदहरम तत्प्रसादैक भूमिम क्रूरा कहरा कतमि ब्रुजा कंटका निर्लुठंती। तीन विशेषताओं से युक्त आपके स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भक्ति की अपनी तीन विशेषताएं हैं। भक्ति में हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवान से के स्वरूप से मिलने वाले वचनामृत का पान करते हैं उसी के साथ साथ, और इतना ही नहीं कर्मारण्यात पुरुषमस्मा नंद धाम प्रविष्टम, जो कर्म रूपी वन को पार करके आनंद के धाम रूप मोक्ष में पहुंच गए हैं, मैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल करके मोक्ष पहुंचूं, ऐसी भावना से हम जब युक्त हो जाते हैं तब वो भक्ति पूरी होती है। वही बात आचार्य वादिराज महाराज कह रहे हैं कि पश्यंतम तद वचनम अमृतम भक्ति पात्रा पिबंतम। देख रहे हैं आपका वीतराग स्वरूप, हो रहे हैं आपके वीतराग स्वरूप के दर्शन, जब मैं पी कर रहा हूं भगवान, इस समय मुझे अपनी कुष्ठ से युक्त देह नहीं दिखाई पड़ रही, इन क्षणों में तो मुझे भगवान की वह वीतराग छवि दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मैं अगर अपनी देह या दूसरे की देह की तरफ देखता हूं तो संसार ही बढ़ता है। मैं देख रहा हूं आपके स्वरूप को, बाहर की मूर्ति को नहीं देख रहा हूं कि सोने की है कि पीतल की है या कि पाषाण की है, कौन से रंग की है, कितनी कीमत की है, कितने अवगाहना वाली है, ये सब चीजें मेरे लिए इन क्षणों में भक्ति के नहीं दिखाई पड़ रही हैं। मुझे दिख रहा है तो एकमात्र आपके स्वरूप वीतराग स्वरूप का दर्शन। और भक्ति पात्रा पिबंतम, भक्ति रूपी प्याली में भर करके और आपके स्वरूप से जो मुझे निरंतर संदेश मिल रहा है, जो आपके वचनामृत मिल रहे हैं, उनका मैं भक्ति के माध्यम से पान कर रहा हूं। भक्ति पात्रा, भक्ति की प्याली में भर करके आपके वचनामृत का पान कर रहा हूं। बहुत लोग भगवान के वचनामृत का पान करते हैं, लेकिन भक्ति भाव की प्याली में भर करके वचनामृत का पान करना, तब जाकर के वो वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करेंगे। और एक चीज और मैं देख रहा हूं भगवान, कि आप कर्म रूपी जंगल को पार करके आनंद के धाम यानी मोक्ष को प्राप्त हो गए, अर्थात अपने कर्मों से रहित अवस्था को प्राप्त हो गए, वो चीज भी मुझे बहुत इंप्रेस कर रही है। मैं भी दिन भर में ऐसे कर्म करूं ताकि मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊं। पूरी हो गई भक्ति, अपनी भक्ति में ऐसी पूर्णता ऐसी सुंदरता नहीं आ पाती है। हम भी वादिराज महाराज के समान भक्ति का स्वरूप समझ करके ऐसी ही भक्ति करें कि भगवान के वीतराग स्वरूप का दर्शन, उनके वीतराग स्वरूप के दर्शन से मिलने वाला उपदेश भक्ति के माध्यम से हम उसका पान करें। हमने एक दिन कहा था कि नीरस ज्ञान, तो किसी ने आकर इसके पूछा था कि नीरस ज्ञान के मतलब क्या है, तो दो ही चीजें हैं, श्रद्धा विहीन ज्ञान और आचरण विहीन ज्ञान नीरस ज्ञान है। श्रद्धा विहीन यानी भक्ति भाव से रहित ज्ञान, जिसमें भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। ऐसा तो बहुत लोगों के पास ज्ञान है जिनका कि जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, ज्ञान अपार है, वो सब ज्ञान समीचीन ज्ञान नहीं कहलाता, इसलिए वो नीरस ज्ञान है, संसार बढ़ाने वाला है, उसमें कोई सरसता नहीं है। और जो श्रद्धा से भरा हुआ भगवान का वचन का रूपी अमृत का पान कर रहे हैं, और इतना ही नहीं भावना मन के भीतर है कि मैं भी अपने कर्मों को हटा करके उस मुक्ति धाम में जहां भगवान पहुंचे हैं वहां पहुंचूं, लेकिन साथ में सबसे बड़ी चीज जिसके लिए आप ही एकमात्र सहारे हैं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, चौथी चीज है यह। इतना तो भगवान जिनेंद्र के दर्शन उनके वचनामृत से और भावना से हो गया, लेकिन अपने को छोड़ना भी तो पड़ेगा, सब तरफ से अशरण होकर के किसी के चरणों में मैं हूं और वही मेरे लिए एकमात्र शरण है, ऐसा भाव तो आना पड़ेगा। जब हमें भगवान की ही शरण है, उनका ही सहारा है, उनका ही साथ है,
और विषय कषायों से विरक्ति है तो ही भक्ति के माध्यम से अपना और दूसरे का जीवन अच्छा बन पाएगा।